अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको अगमेंटन सिरप प्लेन यानी अगमेंटन सिरप जिसे आमतौर पर हम अगमेंटन 156 सिरप भी कहते हैं उसके बारे में तमाम तर मालूमात देने वाला हूँ। अच्छा दोस्तों, इसमें अगमेंटन सिरप में जो ना कोई मॉक्सिक्लेव मौजूद होता है और इस सिरप का शुमार एंटीबायोटिक्स में होता है और ये सिरप तीन तरह के होते हैं यानी इसकी तीन तरह की डोजेज फार्म आती है। एक सिरप प्लेन होता है, एक इसका DS होता है और एक सिरप अगमेंटन BD होता है जो कि मार्केट में मैसर होते हैं। और ये सिरप है ख़ास तौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे छाती का इन्फेक्शन, मसाने का इन्फेक्शन, सांस की नाली का इन्फेक्शन, कान का इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, जल्द का इन्फेक्शन वगैरह को दूर करने के लिए सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, जैसे आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ हुआ होता है तो आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सिरप का शुमार हाई एंटीबायोटिक सिरप में होता है। अच्छा, उम्र के मुताबिक इसकी डोज होती है 1 साल से 6 माह से ऊपर और 1 साल तक के बच्चे को आप आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर वाले के बच्चे को आप 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को दे सकते हैं। इसके अलावा अपने डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही अपने बच्चे को सिरप पिलाना है। अच्छा दोस्तों, इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आप इसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको डायरिया हो सकता है, आपको नोजिया हो सकता है, आपको वोमिटिंग हो सकती है, आपके बच्चे को सर में दर्द हो सकता है, आपके बच्चे को स्टोमच गैस हो सकती है, स्टोमच पेन हो सकता है। इसके अलावा इसके रिएक्शन के तौर पर स्किन पर रैश भी आपके बच्चे को हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तार मालूमात अगमेंटन सिरप के बारे में मदद चल गई होगी। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इसके साथ साथ लाइक के बटन लाजमी प्रेस कर दें। ऐसा करने से आपके कोई पैसे नहीं लगते, लेकिन ऐसा करने से हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहती हैं। शुक्रिया।